एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि इन फेवर ऑफ क्या है, यानी हमें कब बोलना चाहिए इन फेवर ऑफ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के तरफ होना या के पक्ष में होना। जैसे कई बार आप अपने डेली लाइफ में कहते हैं वह मेरे तरफ से है या वह उनके तरफ से है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहते हैं इन फेवर ऑफ। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको यह बात आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे टू बी फॉर्म, उसके बाद आप लिखेंगे इन फेवर ऑफ, फिर आप किसी नाउन या जेरंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे अगर आप कहना चाहें वह मेरी तरफ से है या वह मेरी हिमायत में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज इन फेवर ऑफ मी, या वह मेरे तरफ से है या वह मेरे हिमायत में है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं सी इज इन माई फेवर। तो चाहे आप कहें सी इज इन माई फेवर या सी इज इन फेवर ऑफ मी, दोनों का मीनिंग वही है, जो आपको आसान लगे आप बोल सकते हैं। मैं आपके तरफ से हूँ या मैं आपकी हिमायत में हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन फेवर ऑफ यू। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं आई एम इन योर फेवर, यानी मैं आपकी हिमायत में हूँ या मैं आपके तरफ से हूँ। वे लोग इस काम के हिमायत में हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे आर इन फेवर ऑफ दिस वर्क। अगर आपको कहना हो वह जाने के पक्ष में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज इन फेवर ऑफ गोइंग, यानी वह जाने के हिमायत में है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह छोटा सा टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इन फेवर ऑफ क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।